कुछ भी बचा लिए इसके साथ, ये हमेशा अच्छा ही लगता है। Hi everyone, this is Roy from Studio 9, और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेफ्ट हैंड पैटर्न्स लेके। लेफ्ट हैंड के जो एकम्पैनिमेंट पैटर्न्स हैं, ये अगर आप प्रॉपरली सीख पाते हैं तो आप कोई भी गाने के साथ, लिटरली कोई भी गाने के साथ वो प्ले कर सकते हैं, वो सुनने में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हम बिगिनर लेवल से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, अगर आप पियानो कीबोर्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं और आप एक ही जगह पे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से इसको सीखना चाहते हैं तो इस नाइन एकेडमी की जो पियानो कोर्स है इसको परचेज करना मत भूलिए। यहाँ पे वेस्टर्न म्यूजिक के साथ साथ इंडियन म्यूजिक को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे आपको स्केल बजाना है, कॉर्ड्स बजाना है, मेलोडी बजाना है, पॉपुलर जो सॉन्ग्स हैं वो कैसे बजाना है, कैसे आप कीबोर्ड के साथ गा सकते हैं, ये सब कुछ है इस कोर्स में जो आपको कोई और कोर्स में नहीं मिलेगा। दोस्तों, लेफ्ट हैंड पैटर्न ऐसा टेक्निक है, इसको अगर आप प्रॉपरली सीखते हैं तो सारे जो आपके गाने हैं ना वो अच्छे होने लगेंगे धीरे धीरे। देखिए, सिंपल जो पैटर्न है आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड पैटर्न इज दिस वन। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि मेरा जो राइट हैंड है वो सिंपली यहां पे जो चार स्ट्रोक हैं इसको दे रहा है, लेकिन मेरा जो लेफ्ट हैंड है इसका जो बेस नोट है इसको हिट कर सकते हैं। उसके बाद आप मूव कर सकते हैं इसका जो सिक्स्थ कॉर्ड है ए माइनर, फिर यहां पे एफ, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा और स्पाइस अप करना चाहते हैं देखिए, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड जाएगा वो ऐसे जाएगा, बीच बीच में ये वाला आता रहेगा। तो मतलब ये है कि राइट, देखिए पहला मेरा जब शुरू हो रहा है तो एक साथ आ रहा है दोनों, आप सुन सकते हैं यहां पे कि जो मेरा लेफ्ट हैंड का पैटर्न था वो ऐसा बज रहा है। मैं क्या कर रहा हूं उसके साथ यहां पे ऐड कर रहा हूं, फिर मूव कर रहा हूं मैं, बीच का जो यहाँ पे फिफ्थ नोट है उसको मैं बीच बीच में दबा। अभी इसी पैटर्न को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे अगर आप लेके जाते हैं तो यहाँ पे आप ऑक्टेव पकड़ सकते हैं लाइक दिस। तो आपका जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है ना बहुत ज्यादा सुंदर बन जाता है। ये था आपका ऑक्टेव पैटर्न जहां पे आप ये बजाते हैं, इसके साथ अगर आप कुछ भी बजाते हैं ना अच्छा ही लगता है। अभी देखिए, इसको अगर आप थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको 4x4 के पैटर्न्स बता रहा हूँ, इसको अगर आप थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं यहाँ पे एक आरपीजियो पैटर्न बजा सकते हैं विच गोज लाइक दिस। ये आपको थोड़ा पहले ये डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पे सुनने में। यहाँ पे आपको डायनामिक्स क्रिएट करना है, ठीक हो, आपको आपको एक ही वॉल्यूम में प्ले नहीं करना है तो ये मशीन के जैसा लगता है, आपको डायनामिक्स क्रिएट करना है कैसे कि ठीक
डायनामिक्स हैं ये आपको क्रिएट करना है। देखिए इसके साथ यहाँ पे मैं क्या बजा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं सागा पासा बजा रहा हूँ, मतलब रूट थर्ड फिफ्थ एंड ऑक्टेव। तो सी के मेरे नोट्स क्या क्या आ रहे हैं, सी ई जी सी 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 ई जी सी सी ई जी सी सी ई जी सी, फिर ए माइनर ए सी ई सी ए ए सी ई ए ए सी ई, फिर एफ मेजर एफ एस सी एफ, देन जी मेजर जी बी डी जी जी बी डी जी जी बी डी जी। अभी देखिए इसके साथ अगर मैं कुछ भी प्ले करता हूँ, आप कुछ भी बजा लीजिए इसके साथ, ये हमेशा अच्छा ही लगता है। था और एक लेफ्ट हैंड पैटर्न, इसको आप प्रैक्टिस करिए। यहां पे अगर आप चाहते हैं वेरिएशंस भी डाल सकते हैं लगी, इसके साथ और भी कई सारे एडवांस्ड पैटर्न हैं जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे वो सब नहीं बता रहा हूं। अगर आप देखना चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट में बताइए। जैसे कि एक हिस्सा मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप ये ऐड करते हैं कोई भी गाने के पहले, कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन के पहले, देखिए ये क्या है, ये सी जी और ऊपर में मैं थर्ड ऐड कर रहा हूं, जो है यहाँ पे सी ई जी ऐसा होता है, लेकिन मैं सी जी ई यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, तो ये आपका बहुत सुंदर लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप ये वाला जो पैटर्न है इसको प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप ऑक्टेव पैटर्न को प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आप जो आरपेजियो पैटर्न है इसको प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड कीप प्लेइंग।